आगे बढ़ेंगे जहां उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी। मस्जिद विवाद को लेकर महापंचायत प्रशासन ने महापंचायत को सशर्त अनुमति दी है। करीब 15 से 16 शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति दी है। मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में धारा 163 लागू की गई है। छावनी में तब्दील हुआ उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने महापंचायत को करीब 15 से 16 शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की है। इनमें हेट स्पीच ना करने, रैली नहीं निकाले, ट्रैफिक बाधित नहीं करने, धार्मिक भावना नहीं भड़काने, शांति व्यवस्था कायम रखने सहित अन्य शर्त शामिल है। उप जिलाधिकारी भटवाड़ी मुकेश चंद्र रवोला ने देवभूमि विचार मंच की ओर से प्रस्तावित महापंचायत के आयोजन को अनुमति दिए जाने की जानकारी दी। महापंचायत को करीब 15 से 16 शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। इनमें हेट स्पीच ना करने, रैली नहीं निकालने, ट्रैफिक बाधित नहीं करने, धार्मिक भावना नहीं भड़काने, शांति व्यवस्था कायम रखने सहित अन्य शर्तें शामिल है। यह आयोजन रामलीला मैदान में बग्वाल वाले आयोजन स्थल को छोड़ते हुए किया जाएगा। तो मस्जिद विवाद को लेकर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला मैदान में महापंचायत होगी। 15 से 16 शर्तों के साथ महापंचायत को अनुमति दी गई है। अगर शर्तों की बात करें तो मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है ताकि महापंचायत के दौरान किसी भी तरीके का विवाद ना हो। और इसी के साथ प्रशासन ने महापंचायत को सशर्त अनुमति दी है, यानी कि 15 से 16 शर्तों के साथ ये महापंचायत होगी ताकि कोई भी हिंसा ना भड़के महापंचायत के दौरान। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, रामलीला मैदान में महापंचायत होगी और जाहिर सी बात है मस्जिद विवाद को लेकर इतने समय से कहीं ना कहीं कई बयान भी सामने आए हैं, तो ये महापंचायत कैसी रहने वाली है, इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा? यहाँ पर जो महापंचायत है उसका शुभारंभ यहाँ पर हनुमान चालीसा हो चुका है और तमाम जो यहाँ पर पदाधिकारी है वो मौजूद हो चुके हैं। चाहे वो हिंदू संगठन की बात की जाए, चाहे वो बजरंग दल की बात की जाए, तो कुछ ही समय बाद यहाँ पर जो पी राजा जी है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो रामलीला मैदान है यहाँ पर लोग कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। भीड़ और तमाम गांव से यहाँ पर प्रधानों को भी अवगत कराया है क्योंकि हर किसी की यहाँ पर राय ली जाएगी और लोग उम्मीद यही है कि आज जो महापंचायत है उसमें क्या निकल के सामने आता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन को पूरी इंतजाम किए हैं और चाहे वह पुलिस अधीक्षक की बात की जाए यहाँ पर पूरी फोर्स तैयार है। जी बिल्कुल सुमित, देखना होगा महापंचायत के बाद क्या कुछ चर्चा होती है जब महापंचायत शुरू होगी। लेकिन 15 से 16 शर्तों की बात कर ले तो सशर्त अनुमति दी गई है, तो वो 15 से 16 शर्तें कौन कौन सी हैं? बात की जाए तो यहाँ पर जो साफ तौर पर रैली भी यहाँ पर महापंचायत नहीं की जाएगी और जैसे कि कई यहाँ पर धाराएं यहाँ पर लागू की है क्योंकि जो महापंचायत होगी वो रामलीला मैदानी तक सीमित होगी क्योंकि जो पुलिस बल है यहाँ पर बिल्कुल तैनात है। आज जो महापंचायत है, जो मस्जिद के विवाद है लगातार वो 6 महीने से यहाँ बढ़ता नजर आ रहा था, तो आज महापंचायत में देखना जरूर ये होगा कि क्या क्या निर्णय सामने आते हैं और तमाम चाहे वो जिला प्रशासन की बात की जाए तो सब आज जो मुस्तैद हैं सभी, आप देखिए पुलिस प्रशासन की बात की जाए चाहे वो हिंदू संगठन की बात की जाए, तो आज जो निर्णय निकल के सामने आएगा वो आपको दिखाया जाएगा और आप साफ तौर पर देख सकते हैं अभी जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है, मंच सजा दिया गया है और यहाँ पर कई पदाधिकारी भी अब मौजूद हैं और लगातार जो महापंचायत में जो अधिकारी पहुंचे जाए हिंदू संगठन की बात की जाए तो लगातार उत्तरकाशी में अभी जो माहौल है बिल्कुल भीड़ का माहौल जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो मस्जिद का जो विवाद है वो आज जो इसका निर्णय है वो बिल्कुल सामने आएगा। जी सुमित, महापंचायत के दौरान सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं और कितने लोग मौजूद रहेंगे? बिल्कुल सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तैयारी यहाँ पर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस बल है चाहे वो पीएससी की बात की जाए चाहे वो होमगार्ड की बात की जाए और यहाँ पर आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि जो पथराव जो बीच में देखा गया था तो वहाँ पर जो जगह है वो चयनित की गई है क्योंकि लगातार जो पुलिस प्रशासन है उनको यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। जो यहाँ पर
हाल से पिछले वर्ष जो पथराव हुए थे और उसको भी यहाँ पर देखा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो बल है, जो टुकड़िया है, वो काफी बढ़ चढ़कर रखी हुई थी। बिल्कुल, सुबह देखना होगा इस महापंचायत का कितना असर देखने को मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।